हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, MRPL मतलब मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, कंपनी की ओर से स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, फर्स्ट क्वार्टर और का रिजल्ट है जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे, करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करेंगे, 27,334 करोड़ का मार्च 24 में, 29,229 करोड़ का जून 23 में, 24,876 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 27,233.5 करोड़ का मार्च 24 में, 27,455 करोड़ का और जून 23 में 23,318 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस में भी डाउन है, लेकिन गाइस उतना डाउन नहीं है लगा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हुआ एक्सपेंस इनकम के अकॉर्डिंग, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट है। ईयर ऑन ईयर के भी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन हुआ। ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंस कंपनी का इंक्रीज किया है मटेरियल कॉस्ट में, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर में। और इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा चार्ज किया है कंपनी, 4,042 करोड़ का। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108 करोड़ का मार्च 24 में, 1,767.5 करोड़ का और जून 23 में 1,560.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 73 करोड़ का मार्च 24 में, 1,138.5 करोड़ का और जून 23 में 1,014.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। EPS 0.42 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 1.18% का, प्रॉफिट मार्जिन 0.31% का, दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन है। डेट इक्विटी रेशियो 0.89 टाइम्स का, जो कि डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा डिक्रीज करता हुआ नजर आ रही है। एक अच्छी बात है कि डेट इक्विटी रेशियो डाउन होता हुआ देखने को मिला है। स्टैंडलॉन में इनकम है 27,334 करोड़ का मार्च 24 में, 29,229 करोड़ का और जून 23 में अगर देखा जाए तो 24,876.8 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 27,233.5 करोड़ का मार्च 24 में, 27,455 करोड़ का जून 23 में, 23,318 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100.6 करोड़ का मार्च 24 में, 1,765 करोड़ का और जून 23 में 1,558.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन है। नेट प्रॉफिट 65.5 करोड़ का मार्च 24 में, 1,136.8 करोड़ का और जून 23 में 1,012.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। EPS 0.37 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया है, क्योंकि इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम में डाउन है, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में भी डाउन देखने को मिला है। अगर हम इसके रिजल्ट जो आएगा, 545 में रिजल्ट आया, शेयर 215 रुपीज़ पे आज क्लोज किया, 0.51% का लॉस हुआ। वन मंथ में, 5 डे में 10% का लॉसेस है। और वन मंथ की बात करेंगे तो कंपनी जो है लगभग 4% का लॉसेस देखने को मिला है, और करेक्शन जो हुआ अराउंड 10% का करेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में 25.8% का प्रॉफिट है। इस कंपनी देखो, जो देखिएगा तो एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट पेश किया ना, यहाँ से कंपनी और भी ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है। मतलब कंपनी जो सपोर्ट ले सकता है अराउंड, अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो सपोर्ट हो सकता है 199 रुपीज़ का एक सपोर्ट ले सकता है अगर इससे ज़्यादा डाउन होता है तो। और वैसे भी डाउन होने के चांसेस है, इसलिए आप इसमें एंट्री करना चाहते थोड़ा वेट कर लीजिए, 200 से नीचे जब प्राइस आएंगे तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।